बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ही सितारे अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर चुके हैं। वेल, आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हेमा मालिनी का एक अलग ही नाम और पहचान है। अपनी खूबसूरती से लेकर अपनी डांसिंग स्किल्स और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है ड्रीम गर्ल। दूसरी ओर अगर बात करें बॉलीवुड के सुपरस्टार हैंडसम हंक जितेंद्र के बारे में, तो जितेंद्र ने भी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है। इन दोनों ने जब भी बड़े पर्दे पर फिल्में दी हैं तो ये फिल्में सुपरहिट भी रही हैं। बड़े पर्दे पर जब भी हेमा मालिनी और जितेंद्र नजर आए हैं तो इन दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। आज के समय में भी जितेंद्र इवेंट्स में देखे जाते हैं तो वहीं लगातार फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जितेंद्र का फिल्म इंडस्ट्री में सफर काफी स्ट्रगल से भरा रहा है, तो वहीं हेमा मालिनी का भी। बता दें आपको, साल 1964 में जितेंद्र ने शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों से काम करना शुरू किया था और इस फिल्म के बाद जितेंद्र काफी पॉपुलर हो गए थे। फिर साल 1967 में जितेंद्र की एक सुपरहिट फिल्म आई और ये थी फर्ज। इस फिल्म के बाद जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाने लगा था। वहीं जितेंद्र के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आ रही थी। बता दें आपको, हेमा मालिनी जिन फिल्मों में जितेंद्र के साथ नजर आई उस समय जितेंद्र को सुपरस्टार समझा जाता था, जब हर लड़की उनके साथ काम करने को उत्सुक रहती थी। लेकिन उस वक्त हेमा ने जितेंद्र को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी थी। जी हाँ, जितेंद्र फिदा हो चुके थे हेमा मालिनी पर। बड़े पर्दे पर जहाँ एक और ये जोड़ी हिट रही, तो वहीं जितेंद्र को लगा कि अगर हेमा मालिनी से वो शादी कर लेते हैं तो धर्मेंद्र की तरह लकी हीरो बन जाएंगे। इसके लिए जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा मालिनी की माँ के पीछे लगा दिया था और हेमा की माँ जया चक्रवर्ती ने पूरा मामला हेमा मालिनी पर ही छोड़ दिया था कि वो अपना डिसीजन खुद लेंगी। इतना ही नहीं, मद्रास में दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात की और बात शादी तक पहुँच गई थी। जितेंद्र इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो गए थे और इंगेजमेंट के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इंगेजमेंट के बाद हेमा मालिनी का मन बदल ना जाए, और हेमा मालिनी शादी को भी तैयार हो गई थी। लेकिन बाद में एक बड़ी मुसीबत बीच में आ गई। जी हाँ, जब जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी अपने परिवार के साथ मद्रास पहुँच गई थी और उनकी शादी के बीच अटकलें लग गई थी। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेमा मालिनी शादी के अंतिम समय पर मुकर गई थी और पीछे हट गई थी। इसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली तो फिर जितेंद्र भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। साल 1974 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा के साथ शादी कर ली। आज के समय में ये दोनों ही अपनी अलग अलग लाइफ जीने में बिजी हैं। देखा जाए तो जितेंद्र की शादी आज भी बरकरार है। वेल दोस्तों, आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी जानकर कैसा लगा बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।